फाइनली दोस्तों अब मैं गैस में बाकी नमकीन को तलूंगा। आपको मैंने दिखाया था ये काट के रख लिया हूँ। अब गैस ऑन कर लेता हूँ और मैं लोहे के कढ़ाई में तलूंगा, तो इस वजह से लोहे की कढ़ाई को मैंने इधर चढ़ा दिया है। और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे तलता हूँ। तो तलने के लिए जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक इसमें मैं फॉर्चून का तेल डाल दूंगा। आई थिंक फॉर्चून का तेल नया बोतल खोलना पड़ेगा, नहीं है। इस प्रकार से इसको खोलता हूँ। मेरे चैनल का नाम बैचलर इम्पेशेंस किचन इसलिए है क्योंकि इसमें मैं बैचलर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए पूरा ढक्कन ही खुल गया। खैर कोई बात नहीं, अब इसमें मैं तेल को डाल देता हूँ। इतना तेल काफ़ी होगा नमकीन तलने के लिए। आई थिंक और थोड़ा सा डालना पड़ेगा, तो अभी डाल देता हूँ, तो बाद में फिर ऐड करना पड़ेगा। तो इतना तेल काफ़ी है। मैं अब डर रहा हूँ कि ये बोतल से कहीं तेल ना गिर जाए सारा का सारा। हाँ, इस प्रकार से इसको खोलना था, तो इसको अंदर करना पड़ेगा नहीं तो तेल पूरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार से अब ठीक है। अब इसको मैं रख देता हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसको मैं तलना शुरू करूँगा। तो तेल को गर्म होने का वेट कर रहा हूँ और गैस भी जल रहा है। गरम हुआ नहीं हुआ, ऑफ कर दो ना, तो तब जब तक गरम होगा। अब मैं इसको जो नमकीन काट कर रखा था उसको धीरे धीरे इसमें डाल दूंगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपस में चिपकने का डर रहेगा। इस प्रकार से डाल के आप इसको धीरे से साइड कर दीजिए। बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है देखने में। इस प्रकार से इसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं जो बचा हुआ लोई है उसका मैं उस डब से बनाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से बहुत ज्यादा हीट है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसको बीच बीच में पलटना जरूरी है।
इस प्रकार से ये डब मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको भी काट लेता हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। अब देख सकते हैं कितना ही आसानी से ये कट गया क्योंकि इसमें तेल लगा हुआ था। और ये नमकीन भी लगभग होने वाला है। ये नमकीन अंदर तक पक जाएगा तो अपने ये आवाज़ करने लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये साउंड क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये अंदर तक पक चुका है। तो मैंने जो भी नमकीन तैयार किया है इसमें डाल लेता हूँ। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा अलग अलग कर दीजिए अगर ये ज्वाइंट है तो। और ये डफ जो बचा हुआ रह गया है इसको भी अब मैं उपयोग में ले आऊंगा। अब इसको मैं बेलने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से ये नमकीन अब हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूंगा, लेकिन इससे पहले इसको रेडी करना पड़ेगा क्योंकि अब इस बार एक साथ डालूंगा मैं। चाहता हूँ ये अंदर तक बिल्कुल पक जाए, बिल्कुल कच्चा ना रहे, इसलिए थोड़ा सब्र कर लेता हूँ। और अब बाकी जो नमकीन मैं रेडी करने जा रहा हूँ इसको कर लेता हूँ तैयार। ये नमकीन अब बिल्कुल हो चुका है, इसका रंग कलर से ही पता चल रहा है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगा बाहर, तो इसे बाहरी से मैं निकाल लूँगा। देखेंगे फिर खाएंगे।
हम भूल जाएंगे ना उसको, इसलिए निकाल दिया। आई डोंट वेस्ट एनीथिंग, यू नो दैट। कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा दिखा। अब मैं जो भी है इसको निकाल लेता हूँ बाहर। इस प्रकार से मैंने निकाल लिया है। और अब जो नमकीन था इसे मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से इसे और इसे एक साथ डालना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है इतना तेल में हो जाएगा एक बार में डालूंगा तो, मैं फिर और तेल डालना पड़ेगा मुझे, जो मैं और एक बार डालूंगा नहीं, इस वजह से एक ही बार में निपटाऊंगा इसे। मुझे कुकिंग का शौक बचपन से नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको शौक बनाया, क्योंकि सिंगल रहने के लिए सारे कामों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से मैं समय के साथ इन सब चीज़ों में अपना महारत हासिल करने लगा हूँ, और कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं, सभी चीज़ों को मैं आसानी से सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या पता भविष्य में कभी मुझे काम करना पड़े, खुद खाना पकाना पड़े, खुद खाना पड़े इस वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को खिलाना पड़े बना के। तो इस वजह से मैं अभी चीज़ों को सीख लेता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल तेल की मात्रा नहीं है, और फिर भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। मुझे पता है मैं इसी तेल में इसको फ्राई कर लूँगा, इस वजह से मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। देखिए मैं कैसे इसको बारी बारी से फ्राई करूँगा। मैंने एक गलती किया था, हीट इसमें कम कर दिया था, हीट मुझे कम नहीं करना चाहिए था। वास्तव में डफ आप अगर अच्छा से बनाते हैं तो आप इसको सब्जी जैसा भी चलाएंगे तो ये टूटने वाला नहीं है ना बिखरेगा इधर उधर। आपका डफ में ही सारा चीज़ रहता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने नमकीन कैसा बनाया है। आप ये नमकीन देख सकते हैं, और मैं अभी से खा के ट्राई करूँगा, और भाई साहब को भी दे रहा हूँ खाने के लिए। खा के देखो कैसा है इसका टेस्ट और हमको बताओ, हम भी खा के देखते हैं। लाजवाब बना। गजब टेस्ट है, गजब स्वाद है। तो फाइनली दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे इस ब्लॉग कुकिंग ब्लॉग चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों का इंटरटेन करता रहूं। मेरा थोड़ा सा ये तो सही से टेस्ट तो काफ़ी लाजवाब है, लेकिन मैं इसको सही से शेप नहीं दे पाया, क्योंकि एक घंटे से भी कम समय में बनाया हूं, तो आप समझ सकते हैं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।